एमए फाइनल हिंदी की सभी छात्राओं का स्वागत है। अध्ययन की श्रृंखला की अगली कड़ी आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा उद्भव अर्थ एवं क्षेत्र। इससे पूर्व हमने भारतीय भाषा परिवार एवं प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में अध्ययन किया। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी एक प्रमुख भाषा है, हमारे अध्ययन का विषय है, इसलिए हम आज हिंदी के उद्भव विकास अर्थ एवं क्षेत्र के बारे में जानेंगे। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, हमारे शिक्षा का माध्यम है, सिनेमा का माध्यम है और एक विस्तृत भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम देखते हैं कि हिंदी जो भाषा है उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, किस क्रम में हुआ, क्रमिक विकास में हुआ। हिंदी भाषा के उद्भव का जो इतिहास है वो लगभग 3500 वर्षों का इतिहास है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के वर्तमान तक का जो समय रहा वो किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा के क्रमिक विकास की भूमिका के रूप में उसको देखा जाता है। प्राचीन आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन आर्य भाषाएँ, आधुनिक आर्य भाषाएँ और आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी का प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और आधुनिक काल, इस क्रम में जाकर के वर्तमान हिंदी का स्वरूप हमारे सामने आया है। हिंदी भाषा की विकास परंपरा को अगर हम देखें तो सबसे पहले संस्कृत के बाद हजार वर्षों तक संस्कृत रही, उसके बाद निकली पाली, 500 वर्षों तक पाली का प्रचलन रहा और पाली से फिर निकली प्राकृत और प्राकृत से निकली अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय 500 से हजार ईस्वी के बीच में रहा। अपभ्रंश वह कड़ी है जो पुरानी हिंदी को जोड़ती है अपने आप से और वही पुरानी हिंदी आगे विकसित होकर के, प्रिनिष्ठित होकर के, परिवर्धित होकर के हिंदी भाषा के रूप में स्थापित हुई है। अपभ्रंश के विभिन्न जो क्षेत्रीय रूप थे जिसमें हम शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, विशेष रूप से इनकी चर्चा हम करते हैं क्योंकि इन्हीं तीन रूपों से हिंदी की विभिन्न जो बोलियां हैं जिनका एक समूह है हिंदी भाषा के रूप में कहा जाता है, वे सारी जो बोलियां हैं या उपभाषाएं हैं इन तीन क्षेत्रीय रूपों से निकली हैं। इसे पूर्व की समय उस सारणी में हमने देखा था कि शोरसेनी जो अपभ्रंश है उससे राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ, निकली अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली और जो मागधी है उससे बिहारी हिंदी निकली और खस अपभ्रंश है उससे पहाड़ी निकली। और ये पांचों जो उपभाषाएं हैं वो हिंदी की उपभाषाएं हैं जिनका विकास क्रमिक रूप से अपभ्रंश से हुआ। इसलिए 1000 के आसपास प्राचीन हिंदी का जन्म हुआ और उस समय जो हिंदी थी उस पर अपभ्रंश का पूर्ण रूप से प्रभाव था, व्याकरणिक दृष्टि से, ध्वनि की दृष्टि से या साहित्य की दृष्टि से। लेकिन धीरे धीरे 13वीं-14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश अपना प्रभाव खोती गई और हिंदी अपना स्वतंत्र स्वरूप ग्रहण करती गई। इसलिए उसके बाद 1800 ईस्वी के आसपास जो हिंदी विकसित हुई उसको हम आधुनिक हिंदी कहते हैं। इससे पूर्व हमने हिंदी के विकास का जो हजार वर्षों का जो क्रम रहा यानी कि 1000 से लेकर के 2000 तक का जो समय रहा उसको हमने तीन भागों में विभाजित करके उसके विकास को देखा है, प्रारंभिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी 1000 से लेकर के 1500 तक, मध्यकालीन हिंदी 1500 लेकर के 1800 तक और 1800 से अब तक का जो हिंदी का जो दौर रहा उसको हम आधुनिक हिंदी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की विकास परंपरा रही हमारे हिंदी की जो आज हमारे लिए एक स्थापित भाषा के रूप में स्वीकृत है। अब हिंदी जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई और भाषा के रूप में इस शब्द का प्रयोग कब से होने लगा इस पर हम चर्चा करते हैं। हिंदी जो शब्द है वो मूलतः संस्कृत के सिंधु शब्द से है, हालांकि भोलानाथ तिवारी तो अपनी पुस्तक में इसको
और भी अन्य भाषा से जन्म हुए शब्द से ही सिंधु शब्द को बना हुआ मानते हैं, लेकिन हम मूलतः इसको संस्कृत के सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। वो उत्पत्ति कैसे हुई कि सिंधु एक नदी है जो भारत के पश्चिम क्षेत्र में बहती है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको सिंधु प्रदेश कहा जाता था। और जब ईरानी जो भाषा का प्रभाव हमारे ऊपर था, फारसी का हमारे ऊपर प्रभाव था, ईरानी और फारसी में सै को है बोला जाता है। आज भी आप बाड़मेर जैसलमेर यानी कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में अगर जाओगे तो वहाँ सै के स्थान पे है का उच्चारण आपको मिलेगा, सगला हगला इस प्रकार से वहाँ के लोग बोलते हैं। तो इसके प्रभाव के फलस्वरूप जो सै था वो है में बदल गया। और जैसा कि आपको विदित है कि हिंदी में अलप्राण और महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, पहले तीसरी और पांचवी अलप्राण होती है, दूसरी और चौथी महाप्राण होती है। तो फारसी और ईरानी में अलप्राण ध्वनि का उच्चारण भी होता था, इसलिए धय का दय में बदल गया। तो ये क्या किस में बदला, ये बदल गया जो सिंधु शब्द था वो धीरे धीरे किस में बदल गया, हिंदी में बदल गया। किस में बदला, हिंदू में बदल गया, हिंदू में बदल गया। उसके बाद धीरे धीरे कालांतर में जब विकसित होती है भाषा की अवस्था या हमारे बोलने की अवस्था, मुखशुक के कारण बहुत सी ध्वनि परिवर्तन कर लेते हैं और ये शब्द बन गया हिंद। धीरे धीरे क्या बन गया, हिंद शब्द बन गया। हिंद शब्द है वो उस आसपास के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था, न के लिए भाषा के लिए, हिंद क्षेत्र उसको कहा जाता था। धीरे धीरे ईरानी का एक प्रत्यय है, इक प्रत्यय जिसको हम बोलते हैं इक प्रत्यय, और वह जो इक प्रत्यय है वो हिंद में जुड़ा तो बन गया हिंदिक, हिंदिक बना। और कालांतर में धीरे धीरे कह है वो लुप्त हो गया कि हिंदी के भाषा के विकास में जब हम भाषा विज्ञान में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अंतिम व्यंजन लोप और अंतिम स्वर लोप की प्रक्रिया होती है और मुखशुक के कारण हम कई बार अंतिम वर्ण है उसका लोप कर देते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण हिंदी शब्द में क लुप्त हो गया और शब्द बन गया हिंदी। अब ये जो हिंदी शब्द है वो उस समय में भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं होता था, उस समय उस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था। और धीरे धीरे जो लोग फैलते गए और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भूभाग के लिए ये शब्द प्रयुक्त होने लगा। इस शब्द का भाषा के रूप में पहली बार जो प्रयोग हुआ वो सरफुद्दीन यजदी के जफरनामा जो पुस्तक थी 1425 के आसपास, उसमें इस शब्द का पहली बार भाषा के रूप में प्रयोग हुआ जवान हिंदी यानी कि हिंदी भाषा, यानी कि हिंद क्षेत्र की जो भाषा है वो संपूर्ण क्षेत्र की भाषा है वो हिंदी है। और तत्पश्चात हिंदी शब्द को भाषा के रूप में प्रयोग में लाया जाने लगा और धीरे धीरे प्रचलन में आ गया। और वर्तमान समय में एक विस्तृत भूभाग पर बोली जाने वाली हमारी जो भाषा है, जो शिक्षा का माध्यम है, जो रोजगार का माध्यम है, जो समाचार पत्रों का माध्यम है, इसको हम हिंदी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी के विभिन्न अर्थ कैसे, दो तीन अर्थों में इसको हम समझते हैं। एक इसका व्यावहारिक अर्थ या विस्तृत अर्थ इसको कहते हैं। विस्तृत अर्थ या व्यावहारिक अर्थ में वर्तमान समय में जो मध्य देश और जो 10 प्रांत हिंदी भाषी प्रांत जिनको हम कहते हैं, उनमें बोली जाने वाली विभिन्न भाषा, विभिन्न हिंदी भाषा की जो बोलियों का समूह है उसको हिंदी भाषा के रूप में जाना जाता है। एक विस्तृत अर्थ है, व्यापक अर्थ है, व्यावहारिक अर्थ है। जितनी हमारी बोलियां हैं, हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उनका समूह है, उसको हम हिंदी भाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ये हमारा विस्तृत अर्थ है। दूसरा, हिंदी का भाषा शास्त्रीय अर्थ। डॉक्टर ग्रियर्सन जिन्होंने भाषा विज्ञान पे काफ़ी अध्ययन किया, रिसर्च किया, वे हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं उनमें से हिंदी भाषा के अंतर्गत केवल 2 को ही सम्मिलित करते हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। इसलिए उन्होंने दोनों में हिंदी का शब्द का प्रयोग किया, राजस्थानी बिहारी और पहाड़ी में हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए जो 5 जो उपभाषा 2 उपभाषाएँ हैं उनकी 5 जो बोलियाँ 5 और 3 8 बोलियाँ हैं उनको वो हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, ये इसका भाषा शास्त्रीय अर्थ है।
एक अर्थ है इसका संकुचित अर्थ, या कहते हैं परिनिष्ठित रूप या मानक अर्थ जो वर्तमान में प्रचलित है। और ये मानक रूप या है वो क्या है कि जो आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, भारत की राजभाषा है, समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है वो खड़ी बोली है। और उस खड़ी बोली का जो परिष्कृत और जो मानक रूप है वो हिंदी भाषा के रूप में स्थापित हो गया है, इसलिए इसे हम प्रिनिष्ठित हिंदी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये इसका मानक प्रिनिष्ठित रूप है आज शिक्षा की दृष्टि से, राजकाज की दृष्टि से, या कहें फिल्मों में, सिनेमा में, समाचार पत्रों में, इन सभी में इसी खड़ी बोली का परिष्कृत जो मानक रूप है हिंदी भाषा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं। वैसे तो हिंदी भारत के विभिन्न भागों में बोली जाती है और भारत के बाहर भी कई देशों में हिंदी का प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो मध्य देश हैं और इसके 10 राज्य हैं जिसमें हिंदी का प्रयोग होता है, जिसमें हम देखते हैं कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जिसको उत्तरांचल भी कहते हैं, झारखंड। ये 10 राज्य हैं जिनको हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है। इन 10 राज्यों की जो राजभाषा है, शिक्षा का जो माध्यम है, समाचार पत्रों का जो माध्यम है, वो हिंदी भाषा में ही भाषा ही है। और इन 10 राज्यों में प्रिनिष्ठित और मानक हिंदी का प्रयोग तो होता ही है। हिंदी समूह की विभिन्न जो उपभाषाएँ हैं, जो बोलियाँ हैं, वो भिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होती हैं, बोली जाती हैं, प्रचलन में हैं, इसलिए इन 10 राज्यों को हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है। इसके अलावा मुंबई में, कलकत्ता में विभिन्न जो महानगर हैं उनमें भी हिंदी का प्रयोग होता है। भारत के बाहर विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम आदि इस प्रकार के देश हैं जिसमें हिंदी भाषा का प्रचलन है, हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा जो अपने प्राचीन काल से उद्भव करती हुई, जन्म लेती हुई, विकसित, परिवर्तित और प्रिनिष्ठित होती हुई आज एक स्थापित भाषा के रूप में विश्व में जानी जाती है। धन्यवाद।